आज इंशाल्लाह हम लेक्चर फाइव स्टार्ट करेंगे जिसमें हम अदद और एराब को कंप्लीट करेंगे अदद में हमने जिन वाहिद को सीखा मुसन्ना डोल को और जमा को फिर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ना शुरू किया जिसमें हमने जमा का दो एक्साम देखी जिसमें से दो एक्साम थी जमा सालिम और जमा उतसर तो आज इनशाला अजीज हम जमो तकसर ब्रोकन प्लूरल को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे जमा की दो इकसाम है दे आर टू टाइप्स ऑफ फ्लोरल जमा सालिम साउंड फ्लोरल एंड जमा तकसी ब्रोकन फ्लोरल तो चलिए स्टार्ट करते हैं जमा तकसीर को साउंड प्लूरल जमा सालिम जो हमने पढ़ा था उस लास्ट लेक्चर में उसमें यह बताया था कि जमा सालिम का एक खास कायदा है उसमें एक खास पैटर्न है आ, कि उसको और वो पैटर्न क्या है वो भी देख लेते हैं फॉर मेस्कुलिन और जो है तरीकेकार वो है कि उसमें ईना और ऊना की आवाज आए अगर वो मुजक्कर लफ्ज है तो उस जमा सालिम में इना यानी या ए नून या फिर ऊना वाओ ए नून आएगा वाओ ए नून हालत रफ़ा की अलामत और या ए नून हालत नसब या जर की अलामत होगा इसके बरक्स फॉर फेमिनिन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है उसमें आतुल और आतीन ये आवाज आएगी अगर रफा हालत है तो आतुल और अगर नसब या जर है तो फिर आतीन तो ये साउंड प्लूरल uh, की uh, सिर्फ दो तरीके तरीकेकार आप देख लें कि आप इसको जह, जहन में रख लें कि मुजक्कर होगा तो वाओनून या एनून ऊना ईना ये साउंड आएगी और अगर फेमिन मोनस है तो फिर आतुन या फिर आतीन ये जिस लफ्स के आखिर में आएगा तो वो हम उसको जमा सालिम कहेंगे ठीक है जिन लफ्जों के आखिर में ये चार चीजें आप देख लें इना ऊना आतिन आतुन ये लफ्ज ये हरूफ आपको जिस लफ्ज के आखिर में मिलेगा वो जमा सालिम होगा उसको आप कभी भी जमा मुकसर नहीं कहेंगी ठीक है उसको आप जमा मुकसर नहीं कह सकती वो जमा सालिम होगा जमा जो सालिम है उसका तो एक पैटर्न पता चल गया लेकिन जो ब्रोकन प्लूरल है जमा तकसीर जिसको जमा मुकसर भी कहते हैं उसके बहुत सारे पैटर्न्स हैं

कुछ लफ्ज होते हैं जिनके आगे सिर्फ एस लगा देने से वो प्लूरल बन जाता है और कुछ लफ्ज होते हैं जिनके आगे ई एस लगाने से वो प्लूरल बन जाते हैं कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जिनके आगे आई ई एस का इजाफा किया जाता है वाई को हटाकर जिन लफ्जों के जैसे इसमें एक आ, अलामत दी गई है एक पैटर्न है ये एक कि जिस लफ्स के जिस वर्ड के आखिर में वाई आ जाए उसको हटाकर उसके आगे आई ई एस का इजाफा कर दिया जाए तो वो प्लूरल बन जाएगा। इसी तरह जिस भी वर्ड में इंग्लिश वर्ड में आखिर में एफ आ जाए तो उस एफ को हटाकर वी ई एस लगा दिया जाए तो वो प्लूरल बन जाता है तो ये एक थोड़ा सा कायदा है एक रूल है इंग्लिश लैंग्वेज में प्लूरल बनाने का इसके बरक्स इंग्लिश लैंग्वेज में भी कुछ लव्स कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका कोई पैटर्न नहीं है कोई पैटर्न नहीं है और वो कैसे है जैसे कि दे डोंट एनी फिक्स पैटर्न और वो जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ मैन अब इसका अगर हमने प्लुरल बनाना है तो वो बन जाएगा मैन आपने टोटली लेटर ही चेंज कर देना है एक ही जगह ई आ जाएगा चाइल्ड है तो वो चिल्ड्रन बन जाएगा आगे तीन हरूफ का इजाफा कर देना इसी तरह एक एग्जाम्पल uh, माउस की है इसको अगर प्लूरल बनाना है तो वो माइस बन जाएगा यानी इनका कोई पैटर्न नहीं है इनको ऐसे ही याद करना होता है फुट है तो उसको फीट जैसे टूथ है तो टीथ तो ये मैंने एग्जाम्पल्स इसलिए दी हैं कि एक साइड पे वो लवज है जिनका कुछ पैटर्न है जिनको कुछ समझा जा सकता है कि अगर वाई है तो आप उसमें आई ई एस का इजाफा कर दें एफ है तो वी एस का वी ई एस का और कुछ ऐसे लफ्ज हैं जिनका कोई पैटर्न नहीं है कुछ भी उसका कोई रूल नहीं है बस उसको ऐसे ही बाय हार्ट याद करना होता है स्पेलिंग्स याद करने होते हैं तो देखें जिस तरह हर जुबान को सीखने के लिए हम तगो दो करते हैं मेहनत करते हैं उसके लिए कोशिश करते हैं इसी तरह अरेबिक लैंग्वेज में भी हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ लफ्ज ऐसे हैं जिनके कोई पैटर्न नहीं है बिल्कुल उसी तरह अरबिक लैंग्वेज में भी उसको जमा मुकसर कहते हैं जमाउ तकसीर जिनका कोई पैटर्न फिक्स पैटर्न नहीं होता अब हम चलते हैं जमा तकसीर जमा मुकसर यानी ब्रोकन फ्लूरल की तरफ इसमें आपको मैं दो तरह के एग्जाम बताऊंगी एक बता रही हूँ आकिर और एक है गैर आकिर आकिल क्या होता है आकिल वो होता है इंटेलिजेंट बींग मीन अक्ल रखने वाले वो चीज जो वो कैटेगरीज uh, जो अक्ल रखते हैं और वो क्या क्या है उनमें ह्यूमन बींग्स इंसान आते हैं एंजल्स फरिश्ते आते हैं और जिन ये तीन किस्में जो हैं ये आकिल कहलाएंगी ठीक है आकिल की क्या किस्में है सिर्फ तीन इंसान फरिश्ते और जिन इनको छोड़ के बाकी जो कुछ भी होगा वो गैर आकिल की कैटेगरी में आएगा <स्थाँगा> इंसान फरिश्ते जिन के अलावा बाकी सब चीजें जो भी मादी चीजें हैं मेट्रियलिस्टिक चीजें जो भी होंगी वो क्या होंगी वो हम उसको गैर आकिल में रखेंगे जैसे कि मिसाल है किताबें पहाड़ घर दरिया दरख्त वगैरह अब ये जो मिसालें लिखी हैं अगर आप इस पे इनको लफ्जों को देखें तो क्या ये वो चीजें हैं जो अक्ल रखती हैं, दिमाग मतलब सोचो विचार करती हैं नहीं ऐसा नहीं है तो इसलिए जो चीज अक्ल रखती हो वो अक्ल वो आकिल कहलाएंगे और जो अक्ल ना रखते हो वो गैर आकिल की कैटेगरी में आएगा तो सिर्फ तीन चीजें आकिल को आप जहन में रख लें तो इससे इंशाल्लाह आसानी होगी अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये फर्क क्यों किया गया आकिल और गैर अकिल का ये दो कैटेगरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी वो जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो गैर अकिल होंगे उनकी जो भी जमा मुकसर ज्यादातर गैर आकिल की जमा मुकसर बनती है ठीक है ये भी जहन में रखिएगा कि गैर अकिल की ज्यादातर जो गैर अकिल लफ्ज होंगे उनकी जमा मुकसर बनती है जमा सालिम बहुत कम तो उनको क्या होता है कि उन ऐसे अल्फाजों को जो गैर आकिल की जमा हो उनको मोनस के तौर पर ट्रीट किया जाता है उन्हें मोनस के तौर पर इस, इस्तेमाल किया जाता है वो जुमले के अंदर मोनस का दर्जा रखेंगे अगरचे उनका वाहिद जो है वो मुजक्कर हो मैं आपको आगे एग्जाम्पल्स में समझाऊंगी जिनका वाहिद जब वो लफ्ज होगा तो वो मुजक्कर होगा मुसना भी होगा तो उसको मुजक्र समझा जाएगा लेकिन जब वो जमा में आएगा तो वो मोनस की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा अगर वो गैर अकिल है तो अब मैं आपको इस पिक्चर से एक्सप्लेन करती हूँ जैसे अब ये एक किताब है तो इसको अरबी में हम कहेंगे किताबुन दो बुक्स हो जाएगी तो फिर कहा जाएगा किताबानी अब ये सारी रफा हालत चल रही है किताबानी और अगर किताबें ज्यादा हो जाएं तो फिर कहा जाएगा कुतुबुन तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किताब जो है कुतुबुन ये आकिल होगा या गैर आकिल अक्ल रखती है या नहीं तो आप जहरी बात है इसको गैर आकिल की कैटेगरी में रखेंगी अब किताब जो है वाहिद, जो वाहिद है वो एज ए मुजक्कर जो है ट्रीट किया जाएगा ठीक है इसको मैस्कुलिन ट्रीट किया जाएगा मैस्कुलिन इसको भी मैस्कुलिन के तौर पे ट्रीट किया जाएगा लेकिन कुतुबन को जब जुमले में आएगा तो एज ए फेमिनिन ट्रीट किया जाएगा तो इस तरह से आपने उसको समझना है नेक्स्ट इसी चीज को हम देखते हैं सब एराबी हालत के साथ अगर एक है मुफरत वाहिद है तो किताबन किताबन किताबिन ठीक है तो ये आपको हरकत से अंदाजा हो गया कि कौन सा रफा है कौन सा नसब और कौन सा जर क्योंकि जबर जेर पेश जबर और जेर लगी हुई है जिससे बहुत क्लियर अंदाजा हो जाता है और जब दो किताबें हों और इसका हमने नसब रफा और नसब जर में लेके जाना हो तो रफा के लिए बन जाएगा किताब बानी, अलिफ नून का इजाफा जबकि नसब और जर में ये बिल्कुल एक जैसा होता है तो लिखा जाता है किताब कि नून का इजाफा होगा और इसको आईनी की साउंड आएगी किताब बेनी जब ये ज्यादा किताबें होंगी तो अब इसकी जमा सालिम नहीं बनेगी क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि गैर आकिल की ज्यादातर जो गैर अके लफ्ज है वो जमा मुकसर ही उनकी बनती है तो अब इसको हम किताबू ना नहीं कहेंगे बल्कि इसकी जमा मुकसर बनेगी, जो है कुतुबुन, कुतुबन, कुतुबिन। अब आप एक चीज़ नोटिस करें कि जो जमा मुकसर है उसमें और मुफरद में कोई चीज है जो बहुत सेम है एक जैसी है और वो क्या है हरकत जिस तरीके से हम वाहिद में हरकत से नसब जर का बहुत आसानी से अंदाजा लगा लेते हैं बिल्कुल उसी तरह जमा मुकस्र में भी हमको हरकत क्लियर नजर आएंगी जिससे हम उनकी इराबी हालत को बहुत अच्छी तरह जज कर सकेंगे समझ सकेंगे जमा मुकसर में जो बहुत आसान चीज है वो ये है कि इसके अंदर हरूफ और आवाज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे कि मुसन्ना और जमा सालिम में है क्योंकि मुसन्ना और जमा सालिम में क्या है कि हरूफ का इजाफा है और हमने आवाज से पहचानना है कि वो रफ़ा है या नसब है या जर है जैसे मुसन्ना में आनी ऐनी ठीक है ये एक साउंड है अलिफ ए नून होगा तो रफा या ए नून होगा तो नसब और जर और अगर जमा सालिम होगा तो वाओ ए नून रफा की लामत होगी और ऊडा की आवाज आएगी और या ए नून जमा सालिम में भी आता है जिसमें मुसन्ना में या यानून है लेकिन आवाज मुख्तलिफ होगी जमा सालिम में या एनून की आवाज होगी ई ना तो ऊ ना इना ये साउंड जो है ये जमा सालिम की है जम्म मुकसर आपको क्लियर आपको हरकत नजर आएंगी पेश जबर जेर आप चाहे वो दो पेश हो दो जबर या दो जेर चाहे सिंगल हरकत हो आपको हरकत से बहुत आसानी से पता चल जाएगा फौरन जब आप जबर देखेंगे आप लोग समझ जाएंगी कि ये नसब है आप लोग जेर देखेंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये इस वक्त हालत जर में है तो इस लिहाज से जो जमा मुकसर है वो बहुत आसान है इराब को समझने में नेक्स्ट एक एग्जांपल मैं और समझाना चाहती हूँ अब हम मैंने मोनस की एग्जाम्पल ली है तो ये ये क्या बना कि ये एक मोनस है वाहिद है और हम इसको हरकत से बा, बा, आसानी पहचान रहे हैं इसका हम मुसन्ना बनाते हैं तो वो बन जाएगा इमरातानी अगर रफ है तो इमरातानी और अगर नसब या जर है तो इमरात तयनी देखिए आनी और आईनी की साउंड आ रही है इससे हमने अंदाजा लगाना है अलिफ एनून या फिर या एनून का इजाफा हुआ है इसमें अब हम इसकी जमा बनाएंगे तो इसकी जो जमा बनती है वो है जमा मुकसर ज्यादा औरतें होंगी तो उनको कहा जाएगा निसा उन निसा अन निसा इन ठीक है तो देखिए यहाँ पे हमजा के ऊपर जो हरकत है उससे आप आसानी अंदाजा लगा सकती हैं कि रफा क्या है नसब क्या है और जर क्या है जमा मुकसर में यह बहुत ही बड़ी आसानी है इराब को अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो तीन पिक्चर्स हैं, इन तीनों को हम आकिल की कैटेगरी में रखें या गैर आकिल तो आप इसका क्या जवाब देंगी जी ये आ, आकिल की कैटेगरी में आएगा क्योंकि ये इंसान है अकल रखती है एक जीती जाती लड़की मतलब लड़की है कोई इंसान की कैटेगरी में इसको रखेंगे तो ये आकिल की कैटेगरी में आएगा अब आप ये ना सोचेंगे कि जो आकिल होंगी उनकी जमा मुकसर नहीं बनेगी नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल बनेगी आकिल की भी जमा मुकसर बन सकती है और गैर आकिल की ज्यादा बनती है ठीक है गैर आकिल की ज्यादातर जमा मुकसर होती है लेकिन आकिल की भी जमा मुकसर बनती होती है अब इस चीज़ को मैंने इस तरह से भी एक्सप्लेन किया जो मैंने पहले ये वर्बली एक्सप्लेन किया था कि वाहिद और जमा मुकसर के एराब का बसानी हरकत से लगाया जा सकता है जबकि मुसन्ना और जमा सालिम के एराब का तयन सिर्फ हरूफ और आवाज से लगाया जाता है यही चीज इंग्लिश में एक्सप्लेन की है और जो वाहिद और जमा मुकसर है उनकी आपने इराब का तयन किससे लगाना है हरकत और वो हरकत क्या होंगी पेश जबर जेर वाहिद और जमा मुकसर में आपको पेश जबर जेर आपको क्लियर नज़र आएंगी जिससे आप उनके इराब का अंदाज़ा बसानी लगा सकती हैं सिख मुसना और जमा सालिम पे आपने थोड़ी ज्यादा तोज्ह देनी है उनकी आवाज़ को पहचानना और उनके इराब की पहचान को करने में अब मैं ये अपने नोट्स कुछ शेयर करती हूँ जो जब मैं ये कुरानी कराबिक सीख रही थी उस जमाने में जब मैं अपने नोट्स बनाती थी जब मैं सीखने के प्रोसेस में थी तो ये मैंने नोट्स बनाए थे वो मैंने सोचा कि मैं साथ में आपके आपके साथ शेयर करूं इसमें देखेंगे जो ग्रीन पार्ट है अल एराब बिल हरूफ हरूफ के साथ एराब का अंदाजा लगाना तो उसमें देखें मुसन्ना मुजक्कर मुसन्ना अनस इन दोनों में आनी की साउंड है अगर वो रफा है और नसब और जर में ऐनी की साउंड है और जबकि जमा सालिम और जमा मुज़क़्कर या जमा सालिम मोनस मुज़क़्कर है तो ऊना ईना की साउंड और मोनस है तो आतुन और आतिन की साउंड है उसके अलावा जो अल एरा बिल हरका है तो देखें वो वाहिद है यहाँ फिर जमा मुकसर मुजक्र या जमा मुकसर मोनस उनको आप आसानी हरकत से हरकत होती है ज़बर जेर पेश ठीक है ये जहन में रखिएगा हरकत यानी कि जबर जेर पेश जबर जेर और पेश जबकि जबकिरूफ होंगे तो फिर या तो वो अलीफ ए नून अगर मुसन्ना है और या ए नून और जमा है तो वाओ नून और जमा है तो या ए नून अ, मतलब नसब जर है तो या ए नून वाओ नून तो अगर रफा है तो तो ये अल इराक बिल हरूफ और अल इराक बिल हरक्का का डिफरेंस है जिसमें बिल बिल हरक्का तो देखिए आपको क्लियर यहाँ पे भी दो पेश नजर आ रही हैं, तो कुफ फारून ये जमा है जमा मुकसर है तो इसमें भी आपको दो पेश नजर आ रही है इसी चार्ट को मैंने इस तरह से भी अपने नोट्स में बनाया था जो कि बहुत आसान और बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए इसमें सिर्फ वो चीज मेंशन की गई है कि अल इराब बिल हरक़ा तो उसमें सिर्फ हरक़त लिख दी गई है अगर रफा है तो देखिए पेश लग गई है नसब है तो जबर और जर है तो जेर और मुझ वाहिद मुजक्कर वाहिद मोनस दोनों के लिए है और जम्मा मुकसर मुजक्र और जमा मुकसर मोहनस के लिए भी इसी तरह हरक़त लगी हुई है जबकि अल इराब बिल हरूफ जो है उसमें सिर्फ वो हरूफ लिखे हैं जो हरूफ इजाफा है ठीक है जो हरूफ का इजाफा होता है मुसन्ना है अपने नोट में बना सकती हैं या इसी को सेव कर सकती हैं या आपको आगे इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होगा अब हम थोड़े से पैटर्न की तरफ चलते हैं जमा जो जम तकसीर है ब्रोकन फ्लोरन उसके मोर देन सेवेंटी कहते हैं कि ये जो अमूमन पैटर्न होते हैं अमूमन पैटर्न सिर्फ जमा तकसीर के नहीं जो पैटर्नस हैं तकरीबन वो सेवेंटी से अब चले जाते हैं बहुत सारे पैटर्न हैं लेकिन मैंने कुछ बस थोड़े से पैटर्न चुने हैं जो ज्यादा कुरने पाक में इस्तेमाल हुए हैं उनमें से एक है अफ आलोन अफ आलोन तो जैसे इस एक हो गया अफ और एक है फि आल नेक्स्ट है फूओल उसके बाद है फुआलून फूओलून आप देखिए फूल और फूल इसमें फर्क है इसमें आप देखिएगा कि आइन के बाद एक में वाव आ रहा है और दूसरे में वाव नहीं है नेक्स्ट है अफ ओलोन पहला वाला था अफ आलोन जो फर्स्ट पे है और एक है अफ ओलून और नेक्स्ट है अफ अब हम देखते हैं कि ये कुछ पैटर्न्स हैं इनके ऊपर कैसे अल्फाज बैठते हैं जैसे अफ पे बनेगा नहरून इसकी वाहिद है अनहारून की नहरून वाहिद है मैंने मुफरत वाहिद है अनहारून जो है ये जमा मुकसर है नहरे उर्दू में जिसे हम नहरे कहते हैं अफ देखते हैं रजुल तो इसकी जमा बनेगा रिजाल रजुल कहते हैं आदमी को मैन मैन रिजाल मैन बहुत सारे आदमी फूल उनके वजन पे है कुलूब कुलूब उन वाहिद है और उसकी जमा है जमा इसी तरह फुआन काफिर उन ठीक है बिल्कुल देखें उसी वजन के ऊपर अगर तशदीद है तो आपने भी तशदीद लगानी है जो लफ्ज जिस पैटर्न के ऊपर है वो उसी तरह बनेंगे यहां पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि बहुत से ऐसे इसम हैं जिनकी जमा सालिम और जमा मुकसर दोनों बनते हैं ठीक है जैसे कि काफिरून, तो इसकी काफी और कुफारून दोनों तरह से इसकी जो है ना जमा बनते हैं और पाक में दोनों तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं काफ्य रूना भी आता है आया है कुरने पाक में और कुफारून भी आया है नबी तो इसकी भी दोनों तरह से है नबीन अम्बिया तो दोनों तरह से कुरान पाक में ये भी इस्तेमाल हुए हैं आलिम ये बन गया आलीमुन उलमा अब उलमा हमारी उर्दू जुबान में देखें कितना ज्यादा मुस्तमल है हम कितना इसको, इसको इस्तेमाल करते हैं काफी ज्यादा इसको उलमा का वर्ड जो है हमारी इस्तेमाल में है अम्बिया भी हम बहुत बोलते हैं तो ये चीज है कि आप ये देखें कि ये जो ये तीनों आकिल हैं इस वक्त ठीक है तो ये मतलब इनका जो है बनता है सालिम भी और मुकसर भी वापस चलते हैं अपने चार्ट की तरफ पैटर्न्स की तरफ अब है नेक्स्ट फओलुन तो फोलुन बनेगा रसूलुन उसके वाहिद है तो रुसुन रुसुन ये जमा मुकसर है रसूलुल की अफउल के वजन पे है अम्फ सुन की जमा नेक्स्ट है अफ इलाऊ ये उ की जमा है और देखें औलिया भी हम अपनी उर्दू जुबान में कितना इसका इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट शहदाऊ ये शहीदुन की जमा है और शहदा भी हमारी जुबान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल में है और लास्ट में मसाजिदू जो कि मस्जिदुन की जमा है तो अब इसमें से आप अगर नोटिस करें तो बहुत सारे ये अल्फाज जो हैं ज्यादातर हम अपनी जुबान में इस्तेमाल करते हैं ऑलरेडी अगर इन 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 पैटर्न्स को आपको जुबानी याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, भी नहीं सिर्फ आपको थोड़ा सा पहचान होनी चाहिए कि ये डिफरेंट पैटर्न हैं। अगर जब कुरान पाक में जब ये अल्फाज आप देखें तो बस आपको अगर इतना पता चल जाए कि ये जमा मुकसर है तो ये काफी है पैटर्न को बाय हार्ड जुबानी याद करना जरूरी नहीं है और अगर आप याद करना भी चाहती हैं, तो आप जरूरी नहीं है कि आप ये जो अफ ये फा आन अफा आइन लाम कलीमा के ऊपर ये जो तीन हरूफ है फा आइन एन लाम इस वजन के ऊपर ही जो सारे लफ्ज हैं वो याद करें आप अपनी आसानी से याद कर सकते हैं जैसे अगर फु आलून है तशदीद के साथ आप कुफार को जहन में रख लें कुफ़ारून क्या आप जहन में रखें कुफ़ारून के वजन के ऊपर जो लफ्ज आएगा आप समझ जाएंगे ये जमा मुकसर है ठीक है जिसका आप कुरान पाक में आ गया तो आप फौरन जब आप फ़ौरन आपका क्लिक करेगा दबाओ कि कुफ़ारून भी इसी वजन पे था तो इसका मतलब कि फुजार जो है ये जमा मुकसर है Uh, जैसे मसाजिद मसाजिद हम में, अपनी जुबान में उर्दू जुबान में बहुत इस्तेमाल करते हैं तो मसाजिद के पैटर्न के ऊपर जो लफ्ज़ आएंगे आप जहन में रख लें आप लें इसी तरह आप अलिया को जहन में रख लें ले। ले। अफ अला अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप अलिया को जहन में रख लें फुअला को याद रखना अगर मुश्किल है तो शहदा को जहन में रख लें शहदा के वजन पे जो लफ्स आएंगे अब देखें शुहदाउ ओलामा ये सेम पैटर्न है तो इस तरह से आप ओलामाओ को या फिर में रख रखिए जो आपके लिए कन्वीनियंट हो और अगर आप ना भी याद रखें तो इसमें मुश्किल नहीं है जरूरी नहीं है बस आपको पहचान होनी चाहिए कि ये जमा है वाहिद नहीं है ये मैंने कुछ वही सारे पैटर्न है और उनकी एक से ज्यादा एग्जाम्पल्स दी है

ये लग, ये, ये तीन लव्स आपने नोटिस किया होगा कि मैंने सेपरेट क्यों लिखे हैं इसलिए क्योंकि ये आप नोटिस करें कि बाकी इन सब की जो आखिरी हरकत है वो सिंगल है इनके ऊपर तनवीन नहीं आई जबकि बाकी ये जो सारे पैटर्न्स हैं इन सब के आखिरी हरकत के ऊपर तनवीन है ठीक है तो आखिर इसकी क्या वजह है तो ये हम आगे पढ़ेंगे ये एक बाकायदा एक अलग टॉपिक है मुनसरिफ़ैर मुनसरफ मबनी एक एक टॉपिक है तो हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो फिलहाल ये अभी अभी की स्टेज नहीं है आपकी तो इसलिए मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही अभी सिर्फ हम जमा मुकसर को सीख रहे हैं तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अब मैं आकिल और गैर आकिल की थोड़ी सी जो है कैटेगरी जो है बताती हूँ अगर आप जो पिछला चार्ट था जिसमें सारे थे अल्फाज उनको जहन में उनको जब आप स्टडी करें उसका आप स्क्रीन शॉट बना लीजिएगा और उसको हर लफ्ज को सोचिएगा कि वो आकिल की कैटेगरी में आ रहा है या गैर आकिल की कैटेगरी में आ रहा है ठीक है तो अभी कुछ एग्जाम्पल्स इसमें देख लेते हैं जैसे रूसुल मैसेंजर्स रसूलू अगर हम उर्दू में हम सो कहेंगे रसूलों तो ये आकिल में आएंगे कुफारून देखे काफिर अब कोई किताब दीवार पेंसिल सोफा मतलब ये चीजें तो का, काफिर नहीं ना होती ये चीजें तो नहीं ना होती कोई इंसान ही होंगे जो काफिर होंगे ठीक है इंसानों की कैटेगरी में से ही होते हैं तो फिर इसलिए आ, ये अक्ल रखने वाले होते हैं तो इनको डिसबिलीवर्स ये अकिल की कैटेगरी में आएंगे अंबिया। तो हालांकि यह है जमा मुकसर ही लेकिन आकिल भी आते हैं और गैर आकिल भी अब हम गैर आकिल में देखते हैं आ, इसकी एक और एग्जाम्पल देखते हैं बल्कि आकिल की इबादुन मैन बंदे ठीक है तो का मतलब बंदे यहां पे ये कंप्लीट हुआ अब हम गैर आकिल की तरफ चलते हैं की जमा हार्ट्स दिल कुलुब हार्स पहाड़ आप देखें ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये अकल नहीं रखते ये गैर आकिल है पहाड़ तो नहीं ना अकल रखते कुतुबुन इसको हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं अनहारुन उन रिवर्स नहरें तो ये क्या है ये सब गैर आकिल है तो इस तरह से आपने जो भी पीछे पैटर्न इस्तेमाल हुए हैं उन पैटर्न पे जो लफ्ज आ रहे हैं जरूरी नहीं है कि एक पैटर्न पे जितने लफ्ज होंगे वो सारे ही आकिल हों या सारे ही गैर ऐसा नहीं है उसके अंदर जो भी आएं तो आप उसको नोटिस uh, कर सकती है। कुछ उसमें से आकिल भी होंगे और कुछ गैर आकिल भी अब हम प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं सबसे पहले जो है रिजाली अब इसके नीचे जो एक जेर है ये जेर मतलब इसमें तनवी नहीं है ये हम इन नेक्स्ट बहुत जल्द जो है नेक्स्ट ही टॉपिक जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इसी पे ही है जो लेक्चर सिक्स है वो इसी पे आपको पता चल जाएगा कि ये सिंगल हरकत और तनवीन में क्यों चेंज आता है कब ये तनवीन में चेंज होता है और कब ये सिंगल हरकत आती है तो बहरहाल आपने ये देखना है कि रिजालन रिजालिन जो रिजाली है ये जो इस वजह नीचे जे लगी हुई है रिजाली ये हम नोटिस करें कि ये वाहिद है मुसन्ना या जमा और अगर जमा है तो मुकसर है या सालिम तो इसमें से कौन सी कैटेगरी में आएगा तो ये जमा मुकसर है ठीक है ये है ब्रोकन प्लूरल नेक्स्ट चलते हैं नसीबुन तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी इराबी हालत क्या है तो वो है रफा और अगर मैं इसमें ही आपसे पूछूं रिजाली की इराबी हालत क्या है रिजाली तो देखिए इसके ऊपर जेर लगी हुई है तो आप क्लियर कह सकती हैं कि ये हालत जर में है ये मजरूर है ठीक है इसके बरक्स जो नसीबुन है ये मरफू है यानी कि हालत रफा में है नेक्स्ट है अलवालिदानी तो ये क्या है वाहिद मुसन्ना ये जमा तो आपने कैसे चलना है आपने देखना है कि क्या आखिर में इसमें कोई हरूफ ऐड हुए हैं तो जी आनी की जो आवाज आ रही है आनी इससे पता चलता है कि ये ड्यूअल है यानी है उससे अगले पे चलते हैं अकौराबूना, अकौराबूना, तो यहाँ पे देखिए ऊना की आवाज आ रही है जिससे ये पता चलता है कि ये प्लूरल है और कौन सा प्लूरल है साउंड प्लूरल ठीक है ये जमा सालिम है साउंड प्लूरल है और ये ऊना की आवाज हमेशा मेस्कुलिन के लिए है कभी भी फेमिनिन में नहीं आती ठीक है ऊना की आवाज हमेशा मेस्कुलिन में आती है मुजक्कर के लिए आती है मोनस के लिए यह आवाज नहीं होती अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम निसाई इसकी एराबी हालत देखें ज़े लगी हुई है तो इसका मतलब कि यह मजरूर है और अगर मैं पूछूं कि यह वाहिद है मुसन्ना या जमा तो ये जमा मुकसर है यानी कि ब्रोकन प्लूरल इसी तरह अब हम चलते। एक आपने देखा नस्वी बुन अब देखे नस्वी बन तो यहाँ पे इसकी इराबी हालत क्या है क्लियर आपको जबर नजर आ रही है तो इसका मतलब कि ये वो है मंसूब है हालत नसब में है ये मंसूब है और देखें दो तनवीन के दो जबर के साथ इसमें अलिफ का भी इजाफा हुआ है जबकि नसीबुन में कोई अलिफ नहीं आया ठीक है तो ये चीजें भी साथ साथ आपने पिछला भी रिवाइज करना है इसको नोटिस करना है तो यहाँ पे अलिफ का इजाफा हुआ है इस पे क्योंकि पीछे दो जबर आई है और ये इस वक्त हालत अगले लफ्स पे चलते हैं यहाँ पे भी देखिए आनी की साउंड है तो इसका मतलब कि ये डूल है मुसन्ना अस हाबू तो ये देखिए ये अफ आलू के वजन पे है अफ आलू ठीक है अब आलू के वजन के ऊपर है असहाबू तो यहाँ पे ये असहाबू जो हो गया ब्रोकन प्लूरल हो गया और इसकी इराबी हालत क्या है रफा ये मरफू है इस वक्त अब चलते हैं हम नेक्स्ट इस पेज के आखिरी पे आखिरी लफ्ज के ऊपर लमुद रकूना लमुद रकूना तो देखिए यहाँ पे ऊना की आवाज आ रही है जिससे हमें ये क्लियर अंदाजा हो गया कि ये मैस्कुलिन के लिए है ठीक है क्योंकि ये आवाज फेमिनिन के लिए नहीं आती और ये हालत रफा में है क्योंकि वाओ एंड नून जो होता है ये हालत रफा के लिए होता है और ये साउंड प्लूलर है जमा सालिम ठीक है ये जमा सालिम है मुजक्कर के लिए है और हालत रफा में है तो इस वक्त ये इस तरीके से आपने वर्कआउट करना है हर लफ्स के ऊपर जो मैंने रेड कलर में किए हुए हैं ये जिनको अंडरलाइन किया हुआ है नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस करते हैं इस पेज की और आगे के जो पेजेस हैं उनको आपने खुद से प्रैक्टिस करना है और मुझे खुशी होगी अगर आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी आपको पूछना हो या आपने जो होमवर्क करें आप उसको अगर कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज दें मैं आपको वहां चेक कर लूंगी आपका होमवर्क और इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकती हैं इस पेज को करते हैं कवा कीबू ठीक है कवा कीबू तो ये क्या है ये जमा मुक़सर है ये है plural, जमा मुक़सर ठीक और इसकी इराबी हालत क्या है चूंकि आपको क्लियर पेश नजर आ गई तो इसमें फिर आपको क्लियर आपको अंदाजा हो गया कि यह हालत राफा में है एक चीज आपने ये भी जहन में रखनी है कि जब आपको पेश नजर आ जाए तो ये आपने नोटिस किया होगा कि मुसन्ना और जमा के आखिरी हरूफ में पेश कभी नहीं आती पेश नहीं आती तो उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा जब पेश आ जाए तो वो मुसन्ना भी नहीं होगा और जमा सालिम भी कभी नहीं होगा ठीक हो गया अब चलते हैं बिहारो पे अल बिहारो अल बिहारो तो यहाँ पे देखें इसकी अगर मैं इराबी हालत पूछूं तो देखिये इसके ऊपर क्लियर पेश लगी हुई है तो इससे पता चल गया कि ये इस वक्त हालत रफा में है और ये जमा मुकसर है यानी कि ब्रोकन फ्लूलर है बहर इसकी जो है वो वाहिद है बाहर दरिया ओशन भी कह, कह, बेहतर है ओशन बड़े बड़े समंदर होते हैं तो ये ब्रोकन प्लूरल है बाहर की कुबूर अलकबूरु अलकबूरु तो ये भी हालत राफा में है और ये भी ब्रोकन प्लूरल है ब्रोकन प्लूरल है ठीक है Uh, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज ये बताती चलूँ कि जो स्टूडेंट्स रिपीट uh, कर रही हैं रिवाइज कर रही हैं उनको अंदाजा होगा uh, मैंने पिछली स्लाइड में जैसे बताया था कि जो जो गैर आकिल होती हैं वो एज ए फेमिनन ट्रीट किए जाते हैं जुमले के अंदर आयात में उनको एज ए फेमिनट ट्रीट किया जाता है अरबिक जुबान में मतलब तो अब अगर आप देखें कि कबूर कबर की जमा है कबर की जमा तो इसको जो तो थोड़ा बहुत कोर्स कर चुकी हुई हैं, उनको अंदाजा होगा कि यहाँ पे ये जो फेल है ये फेमिन ये मोनस का सीगा है मोनस का सीगा है और ये कबूर के लिए इस्तेमाल हुआ है ठीक है क्योंकि कबूर गैर आकिल है और तो उसके लिए जो सीगा ग्राम गर्दानी से चुना गया है वो मोनस का सीगा चुना गया है ठीक है इसको हमने मोनस के तौर पे ट्रीट किया इसी तरह बिहार बहर की जमा है तो इसको भी फेमिनन के तौर पे ट्रीट किया गया है कवाकिब कवाकिब कहते हैं प्लैनेट्स को नजूम तो होते हैं ना सितारा सतारा ठीक है स्टार्स और कवाकिब होते हैं प्लैनेट्स जो से सियारे होते हैं तो कवाकिब तो इसको भी देखें ये भी गैर आकिल है तो इनको भी एज ए फेमिनन ट्रीट किया गया है इसको जो तो जो बिगनर्स हैं स्टूडेंट्स उनके लिए नहीं मैं ये बता रही क्योंकि अभी वो फेल की स्टेज तक नहीं पहुंची लेकिन जो बहुत से स्टूडेंट हो सकते हैं रिपीट कर रही हो तो उनके लिए ये जहन में उनको रिपीट कर उनको रिवाइज करवाना कि ये इसलिए है क्योंकि पीछे गैर आकिल की जमा आ रही है इसलिए यहाँ पे मोनस का सीगा इस्तेमाल हुआ है क्योंकि पीछे गैर आकिल की जमा है ठीक इंशाल्लाह अब हम आगे चलते हैं असोलिहाती अब यहाँ पे जो बड़ी ता आ गई है ना बड़ी ता जब आपको खुली ता ता मफतू ताफतू कहते हैं इसको तो जब आपको खुली हुई ता बड़ी ता मिल जाए तो ये आप समझ जाए कि ये मोनस है ठीक है आपने मुजक्कर का सोचना ही नहीं है ये मोनस है और क्या है इसके अलावा इस जमा है क्योंकि वाहिद में बड़ी ता नहीं आती वाहिद में ता मरबूता आती है एक्सेप्शन में इसका एक बताना चाहूंगी जैसे कि है बेतुल अब यहाँ पे भी बड़ी ता आई है लेकिन इसमें आप ये देखें कि जो ता है ना ये इसका मादा का लफ्ज है मादा का हर्फ है बा, या, ये इसके मादा के इसके रूट लेटर के अंदर शामिल है ये एक्स्ट्रा हर्फ नहीं है इजाफा नहीं है जबकि यहाँ पे जो ता है ये इजाफा है ये एक एडिशनल वर्ड है ये इजाफा किया गया है उसको जमा बनाने के लिए क्योंकि असली रूट लेटर इसके है स्वाद लाम एनहा सौद लाम एंड जो है ये असली रूट लेटर से है मादा के हरूफ हैं। ता तो उनके बाद एक, लेटर इजाफा किया गया है उसको जमा बनाने के लिए और उससे पीछे अलिफ भी मौजूद है ये आ, सिर्फ ता, ता की बात नहीं है आतुन आतिन अलिफ का इजाफा भी होगा साथ में तो बेथ में चूंकि आपको ता नजर आ रही है लेकिन ये ता जो है ये जमा वाली नहीं ये इसके रूट लेटर का हिस्सा है मादे का हर्फ है ठीक हो गया अब ये चीज तो आपको पता चल गई कि असौलिहात जो है ये फेमिनिन है ये प्लूरल है और प्लूरल की कौन सी कैटेगरी है यानी सालिम या मुकसर तो ये सालिम है ठीक है ये जमा मुक, जो बड़ी ता आती है आतुन आतिन ये जमा सालिम की अलामत है तो ये साउंड प्लूरल है अब हम चलते हैं जन्नातुन पे तो यहाँ पे भी देखे आतुन ये जो आतुन है ये इजाफा है एडिशनल है न्यू वर्ड ऐड हुआ है जो इसके रूट लेटर्स हैं वो हैं जीम नून नून जीम नून नून जो है ये इसके मादा के हरूफ हैं यानी रूट लेटर्स हैं। उस इन तीन हरूफ के बाद आतुन जो है वो इजाफा है एडिशनल लेटर्स हैं उसको जमा बनाने के लिए क्योंकि इसका वाहिद है जन्नतुन। जन्नातुन जो है ये इसकी वा, इसका वाहिद था इस पे ताबूता लगा हुआ था तामरबूता खुल के जब प्लूरल बनी तो वो आतुन बन गया तो ये इस वक्त फैमिनिन है और साउंड प्लूरल है यानी जमा सालिम है और इराबी हालत दो, अब हम देखते हैं यहाँ पे तो असोली हाथी की इराबी हालत क्या है अब इसको आप जेर दे के आपने सिर्फ डायरेक्ट मजरूर फौरन ही कहना आपने सोचना है क्योंकि ये नसब भी हो सकता है ठीक है आती या आती न, ये जो है नसब के लिए भी इस्तेमाल होता है और ज़र के लिए भी और जब आपको पेश मिल जाए फिर तो दो राय है ही नहीं एक ही ऑप्शन है रफा की कि ये इस वक्त हालत रफा में है नेक्स्ट देखते हैं अल अनहारो तो इसकी अराबी हालत हमें क्लियर पता चल गई कि ये हालत रफा में है और ये जमा मुकसर है ठीक है ब्रोकन फ्लोरल है तो इस तरीके से आपने वर्कआउट करना है इनशाला अजीज हर लफ्स पे आपने इस तरह गौर वफिकर करना है उसकी सारी प्रॉपर्टीज आप उसका जिन्स जेंडर देखेंगे क्या है उसका अदद चेक करें और उसका इराब चेक करें ठीक है क्योंकि अभी हमने ये तीन प्रॉपर्टीज की हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है लास्ट uh, जो फोर्थ प्रॉपर्टी जो चौथी खसूसियत है इसम की वो हम स्टार्ट कर देंगे और उससे आपको बहुत और ज्यादा नॉलेज मिलेगा आपको मेन ये पता चलेगा कि तनवीन और सिंगल हरकत का कैसे फर्क होगा और क्यों होता है ये सिंगल हरकत क्यों आती है कब आती है इनशालाजीज जो नेक्स्ट स्लाइड है इसका आप स्क्रीनशॉट बना लें प्लीज और या इन आयात को नोट कर लें और इन आयात को इनमें जो रेड कलर के लफ्ज है उस पर आपने सोचना है कि वो क्या है वाहिद है जमा या म, वाहिद है मुसन्ना या जमा और जमा है तो जमा की कौन सी किस्म है फिर आपने उसका जिन्स उसका भी और जो है चेक करना है नेक्स्ट जो स्लाइड है इसके भी इसी तरह आप स्क्रीन शॉट बना लें और एक ये एक्टिविटी एक और है ब्रोकन फ्लोरल की जिसमें आपको ऊपर जो है आ, ये आपको पैटर्न दिया हुआ है ठीक है ये पैटर्न है और ये वाहिद लफ्ज है ये वाहिद लफ्ज है मुफरत वाहिद सिंगुलर इनको इन लफ्जों को आपने इस सांचे में ढालना है इस पैटर्न के ऊपर लेकर आना है जैसे रजुल है तो अब आपने फि के वजन के ऊपर इस लफ्ज को रखना है तो ये बन जाएगा रिजा लुन तो आपने यहाँ पे फिल करना है ठीक है ये आपका होमवर्क है आपने अपनी प्रैक्टिस जरूर करनी है जितनी आप प्रैक्टिस करेंगी तभी आप जो है सीख पाएंगी आपके लिए होमवर्क करना एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है प्लीज आप सबने जरूर अगर आप सीख रही हैं तो फिर उसको पूरा टाइम दें तभी आप अपने मिशन को कंप्लीट कर सकेंगी तभी आप इस लेवल पे आ सकेंगी कि इन कि आप कुरान पाक का तर्जुमा खुद कर सकेंगी इनशालाजीज आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेक्चर फाइव कंप्लीट हुआ जिसमें हमने तीन जो इसम की खसूसियात थी वो कवर कर ली है सिर्फ एक रह गई है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे और उसको करने के बाद हम जुमलों के ऊपर आ जाएंगे और हम जुमले स्टार्ट कर देंगे इन दुआ मांग लेते हैं أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.